हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी जरूर दबाएं और वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट में जरूर बताएं। बांदा में एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां राजनीतिक पशु के रूप में पहचान बना चुकी 27 गायों की गौशाला के ऊपर गुजर रही हाई टेंशन 11,000 की लाइन का तार टूटने से नीचे पुआल खा रही गायों की करंट से झुलसकर मौत हो गई। गायों की मौत की खबर लगते ही गांव के किसानों और समाज सेवियों ने पहुंचकर घटनास्थल से ही प्रशासन को सूचना दी, जिस पर तत्काल जिलाधिकारी हीरा लाल ने अपने प्रशासनिक अमले सहित पुलिस अधीक्षक गणेश साह के साथ मौके पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। पूरा मामला बांदा जनपद के पैलानी तहसील के खपटिया कला के कान्हा गौशाला का है, जहां आज सुबह गौशाला के अंदर 11,000 वोल्ट की हाई वोल्टेज लाइन टूटने से 27 गायों की करंट से झुलसकर मौत हो गई। वहीं जिलाधिकारी बांदा हीरा लाल ने कुल 21 गायों की मौत करंट से बता रहे हैं। डीएम हीरा लाल ने प्रशासन का बचाव करते हुए बताया कि यह एक दुर्घटना है जिससे 21 गायों की मौत हुई है, जिन्हें जेसीबी से खुदवाकर दफनाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने इन गायों की मौतों को दुर्घटना नहीं हत्या बताया। किसानों का कहना है कि यदि तार के नीचे गायों को खाने के लिए पुआल नहीं डाला जाता, यह गाय वहां नहीं जाती और इनकी मौत नहीं होती। आपको बता दें कि दिसंबर 19 में बांदा जनपद में गायों को चारा के लिए सरकार द्वारा 7,50,00,000 से ज्यादा की रकम अभी भेजी गई है, जिसके बाद भी इन गौशालाओं में गायों को भूसे की जगह पुआल खिलाया जा रहा है, जिसको खाकर गायों की मौत हो रही है। वहीं ग्रामीणों ने अधिकारियों पर ही गायों का भूसा खाने का आरोप लगा डाला। इसका कारण कुछ गाय तो ठंड से मरी है, 6-7 लगभग, और इसके अलावा करंट से मरी। इसका दोषी का मतलब दोष किसके ऊपर जा सकता है कि क्या कारण है? एनजीओ ठेकेदार, बिजली विभाग की लापरवाही, किसके कारण हो सकती है? ये बिजली विभाग की लापरवाही नहीं है, तारों के नीचे इन्होंने प्यार डाल दिया। दूसरा खिलाते नहीं, प्यार खिलाते हैं धान वाला। अच्छा, और तारों के नीचे डाल दिया, गाय इधर आ गई, इसके कारण से। ये कितने समय 20 गाय मर गई गिनती में। अच्छा, इसके पहले भी कुछ गाय? इसके पहले भी मर चुकी हैं 250 गाय। एक दिन में नहीं मरी, कई दिनों में, एक महीना के अंदर 250 गाय मर गई। मैं टोटल प्रशासन जिम्मेवार है, उसके साथ साथ जो यहाँ देखने वाले व्यक्ति हैं, जैसे कोई एनजीओ से है, सचिव है, जिसको व्यवस्था दी गई वो भी जिम्मेवार है। ये पूरे जिला की या पूरे बुंदेलखंड की दुर्दशा है गाय की। गाय के विषय में कोई बोलना नहीं चाह रहा है, प्रशासन तो मुंह मोड़ रहा है, विशेष करके पूरी जिम्मेवारी प्रशासन की है। ने बताया लाइट नहीं थी, और सुबह जब इसको लाइन ऑन किए करीब 7-7:30 बजे, तो ये क्योंकि ठंडी के मौसम में तार सिकुड़ते और ये सब भी बातें होती हैं, तो इनका जो एक इंसुल जब ये लाइन ऑन किया तो एक इंसुलेटर इनका ब्रस्ट कर गया, और जब इंसुलेटर ब्रस्ट किया तो एक तार नीचे गिरा। तो गायें, हमारा गौशाला बहुत दूर बना हुआ है जहां की घटना है, जो हमारा निर्माण है, तो वहां से गायें अपना सुबह टहलती वहलती रहती, अपने हिसाब से विचरण करती रहती, तो इसके नीचे जो गायें थी वो उन पर तार गिरा, उनकी डेथ हुई। एक दुखद घटना है, और इसमें कोई अभी जो हम लोग यहाँ सभी हमारे कप्तान साहब, हमारे सारे अधिकारी, सीबीओ, सीडीओ, सभी बिजली विभाग के सारे अधिकारियों को ला करके अभी हम लोगों ने ताकियात किया, तो इसमें किसी का कोई फॉल्ट नजर नहीं आ रहा है। फिर भी हम इसकी FIR लॉन्च करेंगे और इसकी ताकियात, और यहाँ जो लोकल लोग पत्रकार गण है, मैंने उनसे भी अलग से पूछा, तो उन लोगों का भी ये कहना है कि एक नेचुरल घटना है, कहीं किसी का दोष अभी परम दृष्टिया परिलक्षित नहीं हो रहा। हम इन गायों का पोस्टमार्टम करके डिस्पोजल जो नियमानुसार होता करा रहे हैं। सर, कितनी गाय मरी? 21 गाय बता रहे हैं। अच्छा सर, इसके पहले भी, अभी 36 घंटे पहले भी कुछ गाय मरी थी यहाँ पर, किसी गौशाला में आप निरीक्षण करने आए थे, उस समय कितनी गाय मरी थी? नहीं, उस जब हम निरीक्षण करने आए थे तो ये उस समय गाय नहीं मरी थी, और ये आप जो कह रहे हो इसकी, इसका संज्ञान नहीं है, हो सकता उसके पहले मरी हो लेकिन उस समय नहीं थी।